नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 10 का दम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। और सबसे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से। पीएम मोदी थोड़ी ही देर में पीएम ऑफिस पहुंचेंगे और पीएम पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण करेंगे, कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद आज तीसरी बार पीएम का कार्यभार ग्रहण करेंगे और थोड़ी देर में पीएम ऑफिस यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक भी है, पहली ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। आज शाम को 5 बजे तमाम नए मंत्रियों के साथ कैबिनेट की ये पहली मीटिंग होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आज शाम को 5 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। तमाम जो नए मंत्री बनाए गए हैं, जिन्हें कार्यभार सौंपा गया है, उनके साथ आज ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी, पहली कैबिनेट की मीटिंग, जिसमें अगले 100 दिन के एजेंडे को लेकर चर्चा की जाएगी। और अगले 100 दिनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इस मीटिंग को बताया जा रहा है। मोदी कैबिनेट में यूपी से किन किन नेताओं को जगह मिली है वो आपको बताते हैं। लखनऊ से बीजेपी सांसद राजनाथ सिंह, मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, कमलेश पासवान, हरदीप पुरी, एसपी सिंह बघेल, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, अपना दल एसकी नेता अनुप्रिया पटेल और गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। इस कैबिनेट के जरिए यूपी में मिशन 2027 को साधने की तैयारी शुरू हो गई है और कोशिश की गई है। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी में जाति और क्षेत्र समीकरण साधने पर जोर दिखाई दिया। पूर्वांचल में कमजोर प्रदर्शन के मद्देनजर 4 मंत्री क्षत्रिय कोटे से राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह को बनाया गया है। वहीं ब्रिज क्षेत्र से लोधी, दलित, ब्राह्मण चेहरे को भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। गोरक्ष क्षेत्र से 2 चेहरे और अवध क्षेत्र में 2 चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। वहीं यूपी के 5 OBC चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, जिसमें लोध, कुर्मी, दलित, क्षत्रिय और ब्राह्मण चेहरों को भी मौका दिया गया है। तो मोदी कैबिनेट पे उत्तर प्रदेश के नेताओं को लेकर विस्तार से जानकारी हमने आपको दी। संकेत मिश्रा इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, बहुत सोच समझकर हर समीकरण को, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, जाति समीकरण हो, उन्हें साधा गया है एक तरीके से अगर देखा जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो ये जो मोदी मंत्रिमंडल है, इसमें उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए, जिनको यूपी से जगह मिली है, उसमें सीधे तौर पर मिशन 2027 को साधने की एक कवायद नजर आ रही है। और इसमें जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है, उसमें जाति और क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। चाहे अगर बात करें पूर्वांचल में, तो वहां पर कमजोर प्रदर्शन हुआ, पार्टी को उतनी बड़ी जीत नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद 4 मंत्री बनाए गए। यही नहीं, छत्री कोटे से राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनाया गया। और अगर बात की जाए लोधी, तो लोधी भी मंत्रिमंडल में शामिल है, दलित शामिल है, ब्राह्मण शामिल है, यानी कि सभी जातियों को मौका दिया गया। 5 OBC चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं। इसमें लोध, कुर्मी, दलित ऐसी बिरादरियों के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां 5 OBC हैं, वहीं दलित चेहरा भी है एसपी सिंह बघेल के रूप में, और छत्री चेहरे के रूप में राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह, और ब्राह्मण चेहरे के रूप में जितिन प्रसाद मोदी मंत्रिमंडल में शामिल है। तो जाहिर सी बात है, ये उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 को साधने की भी कोशिश मोदी मंत्रिमंडल के माध्यम से की गई है। उसमें जिन उत्तर प्रदेश के चेहरों को मौका दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संकेत। कल शाम को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर पार्टी हुई, जिसमें एनडीए के सभी सांसद शामिल हुए। डिनर पार्टी कई मायनों में खास रही, कई तरह के खास व्यंजन भी यहां पर परोसे गए। डिनर पार्टी में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी और नए कैबिनेट मंत्रियों को बधाई दी।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उसे शीघ्र ही पूरा कर पाएंगे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं सभी माननीय मंत्रीगण को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यूपी को बहुत अधिक महत्व देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में 7 देशों के नेता शामिल हुए। सभी विदेशी नेताओं के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज की मेजबानी की। भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए नेताओं में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और उनकी पत्नी कोविता जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमित शाह से मिलेंगे। जेपी नड्डा से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली में मौजूद हैं सीएम योगी और चुनाव परिणाम के बाद आज पहली मुलाकात दिल्ली में ही मौजूद हैं सीएम योगी और आज यहां पर जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात।